कि जो महाभारत का युद्ध है वो यहीं से आरंभ हुआ था और यहीं पर उसका समापन हुआ था। ये युद्ध भूमि यही है, युद्ध भूमि यही है, यही है जहाँ पे उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया था। आज मैं उस स्थान पे खड़ा हूँ, वो वृक्ष मेरे पीछे है, ठीक मेरे पीछे, जहाँ जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था और उसको ये समझाया था कि वो अपना कर्म ना भूले। 6000 वर्ष साल पुराना ये साक्षी वट वृक्ष है, आज भी ऐसे का ऐसे ही खड़ा है। इसकी जड़ें देख लो आप, बिल्कुल पाताल में उतर गई है। कि जो वट वृक्ष में पेड़ के ऊपर से जड़ें आती हैं, वो जड़ें आप देखेंगे, इनका साइज जो कि नीचे इतनी ज़्यादा आई हैं कि धरती के अंदर ये समा गई हैं। जगह जगह आपको ये देखने को मिलेंगे कि जिस प्रकार एक यहाँ पे सामने की तरफ, एक सामने उस तरफ, इसी प्रकार पेड़ से जो जड़ें नीचे आ रही हैं वो धरती में समा रही है। इसी वृक्ष के नीचे यहाँ पर गीता उपदेश या बैठ करके ये चरण पादिका आज भी उनके यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर कहा था उन्होंने कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करते हो चाहे कोई भी कर्म करते हो, मुझे मत भूलना। अगर मुझे भूल गए ना तो मुश्किल में पड़ जाओगे। अर्जुन ने कहा केशव ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो उन्होंने उनको कहा कि भूल के देख लो। तो उसका कभी यहाँ बांध लगा, कभी यहाँ बांध लगा, तो उसने कहा तो केशव ये कैसे हो गया, आप मुझको याद रखोगे, मैं आपका रास्ता कभी ऊपर करता हूँ, कभी नीचे करता हूँ, कभी दाएं करता हूँ, कभी बाएं करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। हमने आपको हर स्थान के दर्शन कराए हैं ब्रज में। आज हम आपको कहां पर लेके आए हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं हूं इस टाइम पर कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में यानी कि भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि में। आज मैं जहां पे आप सभी को दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूं, ये स्थान हम पहले विज़िट कर चुके हैं और आज हमारा यहां पे सेकंड विज़िट है। आगे की जो फुटेज आप देखेंगे वो हमारी फ़र्स्ट, जब हम आए थे यहां पे फर्स्ट टाइम, उस टाइम की फुटेज होंगी। हम बीच बीच में आपको जो फुटेज है वो स्विच करते रहेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं हूँ इस टाइम पर ज्योतिसर में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, गीता का ज्ञान। आज हम उस स्थान पर आए हैं, आप मेरे पीछे देखेंगे ये है मुख्य स्थान और यही वो मुख्य द्वार है जहाँ से प्रवेश होता है। हमारे साथ हैं तीर्थ पुरोहित प्रवीण भारद्वाज जी, वो भी आज आप सभी को यहाँ की कथा, यहाँ का महत्व बताएंगे। आप यहाँ पे आएँ तो आपको सरलतापूर्वक आसानी होगी आपको यहाँ पे आने में। यहाँ की लोकेशन भी हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे जिससे आप यहाँ पे इजीली आ सकें। छोटी सी यहाँ पे पार्किंग है, आगे आप देखेंगे गेट के उस पार पार्किंग है, एंट्रेंस भी यही है और मुख्य जो द्वार है वो है ये द्वार। तो जैसे कि हमने आप सभी को बताया था कि हम आप सभी को वहाँ पर लेके चलेंगे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, और ये भी बताया जाता है कि जो महाभारत का युद्ध है वो यहीं से आरंभ हुआ था और यहीं पर उसका समापन हुआ था। यहाँ पे हमारे साथ है महाराज जी, जो यहाँ पे आपको यहाँ के बारे में बताएंगे, जो यहाँ का महत्व है वो बताएंगे और यहाँ पे क्या क्या लीला हुई है उसके बारे में बताएंगे। और जो एक यहाँ पे विशाल एक वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे ही भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था उसके बारे में बताएंगे। तो एक बार जानते हैं उनसे और आगे की कथा हम उनसे सुनते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, यहाँ के बारे में आप हमें बताइएगा, जो यहाँ का महत्व है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था। वो गीता ज्ञान दिया था जी, गीता ज्ञान दे के फिर यहाँ से युद्ध चालू हुआ था। युद्ध चालू हुआ था, हाँ, यहीं से चालू हुआ था, यहीं पर आके बंद हुआ था। यहीं पर आके बंद हुआ, यहीं पर आके बंद हुआ था। 48 कोस के एरिए का बीच है ये युद्ध भूमि यही है, युद्ध भूमि यही है, यही है। और यहाँ पे हमें बताया गया था कि यहाँ पे पेड़ है जिस पेड़ के नीचे भगवान ने ज्ञान दिया था। बड़ का पेड़ है, श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को वो यहीं दिया था, वो यहीं दिया था, यहीं दिया था, उसी पेड़ के नीचे दिया था। और ये द्वापर की बातें हैं सारी, द्वापर की बातें हैं ये। और ये शिव जी का पराजित मंदिर यहाँ अपने आप प्रकट हुए। ये जो हम विशाल भट्ट का पेड़ देख रहे हैं यहीं पर प्रकट हुए थे, प्रकट हुए थे इसी में।
तो ये कितने समय पहले? ये तो बहुत समय पहले का जी। और ये किस उसमें आता है मर्जी गाँव में? ये जो वैसे जोसर का है जी जी, फिर नाम ज्योति सर है। ज्योति सर है, ज्योति सर इस लोकर के है जी। इस ये सर है, सरोवर है, ये सर है। हाँ, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है सरोवर। और अभी समीप हम आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे भी पास से, लेकिन जैसे कि हमें यहाँ पे बताया महाराज जी ने। और आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे महाराज जी? रवि दत्त। रवि दत्त, कितना समय हो गया आपको सेवा में? 3-4 महीने से हो गए। 3-4 महीने? हाँ, यहीं का, यहीं के हो आप। बहुत आनंद पूर्वक यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं, काफी अच्छा लगा आपसे भी जान के, और आनंद पूर्वक आपने बताया यहाँ की कथा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। यहाँ पे दर्शन हुए थे पहले, उसका भी आनंद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। आज हम जो हमारे साथ प्रवीण भारद्वाज जी हैं, वो बताएंगे इसके बारे में आपको। और हमारा दोबारा आने का भी यही रीज़न है, ताकि हम आप सभी को कंप्लीट वीडियो दे सकें, कंप्लीट दर्शन करा सकें, और इस स्थान का पूरी तरीके से आनंद दिला के और महत्व बताएं हम आप सभी को। यही हमारी कोशिश रहती है। प्रवीण जी, यहाँ के बारे में बताइएगा, क्या यहाँ की लीला है? ये है जी ज्योतिसर सरोवर, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, सेंटर ऑफ महाभारत। और यहीं पे कृष्ण जी ने गीता पढ़ी, जो कि उनका जो है स्थान यहीं पे है, आज भी उनकी निशानी है यहाँ पर। 6000 साल पुराना ये साक्षी वट वृक्ष है, आज भी ऐसे का ऐसे ही खड़ा है। इसकी जड़ें देख लो आप, बिल्कुल पाताल में उतर गई है। ये जो सामने हम देख रहे हैं मिट्टी में, क्या यही वो जड़े हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ, ये वही जड़े हैं जी, जो ऊपर से पेड़े से निकलती हैं और साथ नीचे धरती में पताल में चली। यानी कि मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये वट वृक्ष है। हाँ जी, साक्षी वट वृक्ष है, साक्षी वट वृक्ष है। और जो इसकी जो जड़े हैं वो अब आप देखेंगे, इतना ये प्राचीन वृक्ष है कि वो धरती में समा गई है। सामने आप देख सकते हैं, ये अपनी आंखों पे हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हमें लगा था जब हम पहले आए थे, इससे पहले जो हम यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, हमें लगा कि ये नया वृक्ष है, जो कि जिसे कहते हैं नया उग्र है। लेकिन अब हमें पता चला है प्रवीण जी के जिसे कहते हैं माध्यम से, कि ये इसकी जड़ें हैं जो धरती के अंदर समा गई हैं। इसी वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और यहीं पर गीता पढ़ी बैठ करके उन्होंने। ये स्थान उन्हीं का है, और भगवान कृष्ण जी का रथ यहाँ पर पत्थर संगमरमर से बना हुआ है। आपके सामने जो है देखने को, बड़े बड़े श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शाते हैं, ऑल वर्ल्ड से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये वो स्थान है, सेंटर ऑफ महाभारत, भगवान कृष्ण की गीता जन्मस्थली। और ये जैसे कि आपने बताया 6000 वर्ष से भी प्राचीन वृक्ष है ये। हाँ जी, और यहाँ पे जैसे कि इसको ओपन रखा गया है सभी श्रद्धालुओं के लिए, ताकि समीप से दर्शन भी कर सके। हाँ जी, हाँ जी, पूर्ण रूप से ये समझाया सब योग योगियों को और सब जिज्ञासुओं को, ये बताया कि असली मर्म क्या है गीता का, कि बहुत पुरातन है। यूं मानो उसी समय का कहा जा रहा है, प्रोटे की आयु बहुत लंबी होती है, और ये
नित नया होता रहता है, इसकी जड़ें लगती है तो दूर दूर से और फैल जाता है, मीलों में भी फैल जाता है। ये तो इनको कंट्रोल करके रखते हैं ना, धार्मिक स्थान है तो ये उसी समय के वट वृक्ष की इसकी महत्ता है जी। और माना जाता है कि उसी समय का ये वट वृक्ष है। हम लोग पहले आए थे, हम अंदर प्रवेश नहीं किया, हमने हमें लगा यहाँ पे प्रवेश करना सभी का वर्जित है। तो आज हमें जैसे कहते प्रवीण जी ने बताया कि यहाँ पे कोई भी भक्तजन अंदर प्रवेश करके समीप से दर्शन कर सकते हैं, और आज हम आप सभी को समीप से दर्शन करा रहे हैं उस वृक्ष के। जड़े हैं देखो, ये है वो जड़ें जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष को जिसे कहते हैं आज भी भक्तजन उसी की भांति देखते हैं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बैठकर अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। और इसकी जड़ें जो कि अपने आप में ये बता रही हैं कि ये कितना प्राचीन ये वृक्ष है। हम आप सभी को ब्रज के वृक्ष दिखाते हैं जो कि पूरे अंदर से खोखले रहते हैं लेकिन उनकी जो हरियाली है वो बरकरार रहती है। लेकिन आज हम आए हैं उस स्थान पे जिसको कर्म भूमि कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की, और आज हम ये समीप से देख रहे हैं और आप सभी को दिखा रहे हैं कि इस वृक्ष की व्याख्या करना अपने आप में बहुत कठिन है हमारे लिए। क्योंकि आप देखो जगह जगह आपको ये देखने को मिलेंगे कि जिस प्रकार एक यहाँ पे सामने की तरफ, एक सामने उस तरफ, इसी प्रकार पेड़ से जो जड़ें नीचे आ रही हैं वो धरती में समा रही है। ये अपने आप में बेहद खूबसूरत है, इसको बयां करना किसी भी रूप में हमारे लिए संभव नहीं है। हम आप सभी को दर्शन करा सकते हैं केवल। यहाँ पे लोग धागे बांध के जाते हैं। प्रवीण जी, इस धागे का क्या महत्व है? जो भी सुखड़ा सूखते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वो धागा बांध कर जाते हैं, संपूर्ण होने पर आकर के खोल देते हैं। तो ये मान्यता है, सच में ऐसा होता है? अब प्रवीण जी हमें बताइएगा कि भगवान कहाँ बैठकर गीता का उपदेश दे रहे थे? ये इसी वृक्ष के नीचे यहाँ पर गीता उपदेश या बैठ कर के चरण पादिका आज भी उनके यहाँ पर रखी हुई है। हम आपको समीप से दिखाएंगे कि ये चरण पादुका भवन की है जो यहाँ पे आपको दर्शन हो रहे हैं, और आप चित्र में देखेंगे यहाँ दर्शाया गया है कि किस तरीके से भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं बिल्कुल समक्ष अपने बिठाकर। आनंद पूर्वक यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं, और रात्रि में यहाँ पे नज़ारा और आनंद पूर्वक होता होगा। यहाँ पर शाम को लाइट साउंड सिस्टम चलता है, आपके सामने स्टेज बनी हुई है, वहाँ पर सारा यात्री लोग सारे वहाँ पर बैठ के प्रोग्राम दर्शाते हैं, देखते हैं, अच्छा प्रोग्राम चलता है, लाइट साउंड सिस्टम। और यहाँ पे कोई समय जैसे कि किस समय तक ये खुला रहता है? ये खुला ही रहता है, यात्री जब मर्जी आओ, जब कभी चाहे जब दर्शन करो, यानी कि 24 घंटे ये खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे आए, आप दर्शन भी कर सकते हैं। मैं आप सभी को यही कहूँगा यहाँ पे ज़रूर आएँ, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे खड़े होकर। और इस वृक्ष के नीचे हम लोग आए आप सभी को दर्शन कराने के लिए। ये अपने आप में जिसके लिए कहते हैं शब्द नहीं है हमारे पास बताने के लिए कि कितनी ये जो जड़ें हैं ये धरती में समा गई है। संभवतः ये है कि ये नीचे तक गई होंगी। हाँ, ये काफ़ी नीचे गई हुई है जी, इसकी कोई क्षमता नहीं है कि कितने किलोमीटर के अंदर गई हुई है, कितना नीचे ये गई होगी। हम लोग दर्शन कर रहे थे, हमें एक बहुत अच्छी फैमिली मिली है जो कि कहाँ से आए आप सभी? पानीपत से आए हैं। और एक जिसे कहते हैं हमारे छोटे से सब्सक्राइबर भी हमें मिले हैं यहाँ पे, और क्या नाम है आपका? दिव्यांशु। और आप लोग यहाँ पे आते रहते हैं दर्शन? पहली बार आए हैं? आते रहते हैं। तो कैसा लगता है यहाँ पे दर्शन? बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है।
आनंद आता उस जगह पे खड़े होके जहाँ पे भगवान ने उपदेश दिया है स्वयं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आपको स्वयं आके स्वयं करने चाहिए, हम आपसे यही कहेंगे, क्योंकि ये आप वीडियो के माध्यम से जो दर्शन कर रहे हैं शायद आपको उतना आनंद ना आए, लेकिन जो यहाँ पे हम स्वयं दर्शन कर रहे हैं इसका आनंद आपको यहाँ पे स्वयं आके लेना चाहिए। ये जो रस बना हुआ है यहाँ पर, यहीं से महाभारत स्टार्ट हुई थी और यहीं पर आकर के समाप्त हुई, यहीं पर आकर समाप्त हुई। राधे राधे। राधे राधे जी, आप कहाँ से आए हैं? जी हम बनारस, पंजाब बनारस से आए हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पे दर्शन करके? यहाँ पर आकर जो मन को शांति मिलती है, जो ज्ञान मिलता है भगवान का, तो हम यहाँ पर गीता का अध्याय शुरू करने आए हैं, श्रीमद् भागवत गीता को शुरू करके यहाँ से उनका ज्योति प्रकाश यहाँ से ले जाकर बरनाला में जाकर हम इसको संपूर्ण करें। और ये पहली बार है आपका, पहले भी आए दर्शन? नहीं, हम तो यहाँ पर आते रहते हैं, आते रहते हैं बहुत। आज हम पहली बार आए यहाँ पे दर्शन करने और असीम शांति, ये शांति की व्याख्या करना किसी भी रूप में हम नहीं कर सकते। नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके और आनंद पूर्वक दर्शन हो रहे हैं हमें यहाँ पे पहली बार। पर ये बड़ वृक्ष आप देख रहे हैं ना जी, इसको मेरे ख्याल भी अंदाजन 5300 साल हो गए जी। ये जब द्वापर में महाभारत युद्ध से पहले ये तभी का है, यानी कि द्वापर का ही है। यहीं पर अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था। बिल्कुल, यहीं पर कहा था उन्होंने कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करते हो चाहे कोई भी कर्म करते हो, मुझे मत भूलना, अगर मुझे भूल गए ना तो मुश्किल में पड़ जाओगे। अर्जुन ने कहा केशव ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो उन्होंने उनको कहा कि भूल के देख लो, तो कुछ देर के भूला वो, तो उसका कभी यहाँ बांध लगा कभी यहाँ बांध लगा, तो उसने कहा केशव ये कैसे हो गया, कि यही मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको बचा रहा था, आप मुझको याद रखोगे, मैं आपका रास्ता कभी ऊपर करता हूँ कभी नीचे करता हूँ कभी दाएं करता हूँ कभी बाएं करता हूँ। बिल्कुल, भगवान को अगर याद रखोगे हर वक्त, कोई भी कर्म करो भगवान को याद रखो, फिर आप पर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही और आनंद पूर्वक यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं और वो चीज़ को महसूस कर सकते हैं जो द्वापर में रहा होगा, और आनंद आ रहा है बहुत यहाँ पे दर्शन करके, और आपसे भी अच्छा लगा मिलके। राधे राधे। आज मैं उस स्थान पे आया आप सभी को दर्शन कराने के लिए जहाँ की आपकी काफ़ी समय से हमारे पास में रिक्वेस्ट आ रही थी। आप सभी को हम दर्शन कराते हैं अनसीन प्लेस के, ब्रज मंडल में जा जा के हमने कितने आप सभी को स्थानों के दर्शन कराए हैं, लेकिन आज हम आप सभी को लेकर आए थे कुरुक्षेत्र में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कहा जाता है कि कर्म भूमि है, जहाँ पर उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया था। आज मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ, वो वृक्ष
मेरे पीछे है, ठीक मेरे पीछे, जहाँ जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था और उसको ये समझाया था कि वो अपना कर्म ना भूले। और आज यहाँ पे दर्शन करके जो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है वो मैं आप सभी को किसी भी रूप में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनुभूति स्वयं ही आप कर सकते हैं जब आप वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई है। आज मैं उस स्थान पे पहली बार आया हूँ आप सभी को दर्शन कराने और स्वयं करने के लिए, इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ जहाँ भी हम आप सभी को दर्शन कराते हैं उस स्थान पे एक ना एक बार भविष्य में ज़रूर जाएं, ताकि आपको उसका आनंद, उसका लाभ मिल सके। आज जो यहाँ पे हम महसूस कर रहे हैं वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, ना ही हम आपको लिख कर बता सकते, बस आपसे कह सकते हैं कि आप यहाँ पे स्वयं आएँ दर्शन करने के लिए और इस स्थान का लाभ उठाएं। ये आनंद आप सभी को जल्द ही मिले, ये भी हम प्रार्थना करेंगे भगवान श्री कृष्ण से, आप यहाँ पे जल्द ही आए। और जिसे कहते हैं आंखों पर विश्वास नहीं होता जब आप स्वयं वो दर्शन करते हैं जो आपको, जिसे कहते हैं कथाओं में सुनते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में आता है। आप सभी को मैं बताना भी चाहूँगा, ये स्थान समीप से अगर आप देखेंगे तो आपको शायद ही उस तरीके की अनुभूति हो कि जो हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, जो हम आप सभी को कराना चाह रहे हैं। आनंद पूर्वक में दर्शन हो रहे हैं इस पूरे वृक्ष के, और ये आप सोचिए कि भगवान यहाँ इसी वृक्ष के नीचे बैठ कर अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। आपको जो दर्शन हो रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण के और विराट स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था वो मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा, और सभी यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। लेकिन ये वो रूप है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पे अपना विराट स्वरूप दिखाया था, और ऐसे ही यहाँ पे चित्र, काफ़ी चित्र बने हुए हैं। आप ऊपर पढ़ेंगे भीम और भीष्म पितामह, यहाँ पे उनके रूप हैं। ऐसे ही समीप यहाँ पे आप देखेंगे समस्त, आपको सारे चित्रकलाएं देखने को मिलेंगे। आनंदपूर्वक यहाँ पे सभी चित्रकलाएं बनाए हुए हैं, दर्शन आप स्वयं कर सकते हैं। आके भीष्म पितामह से ही आप देखे हुए यहाँ पर, देखो ये देखो, यहाँ पे आपको वो दर्शन होते हैं जब भीष्म पितामह जी सैया पे लेटे हुए हैं और बाणों की सैया आप देख सकते हैं। अर्जुन है, नारद जी है, यहाँ पर अर्जुन है, नारद जी हैं, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का भी रूप है। यहाँ पे भगवान गीता पढ़ते थे बैठ के। ये वो, ये भी ज्योतिषर के अंदर ये वो प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पर भी
भगवान कृष्ण जो है गीता पढ़ते थे डेली बैठ करके और गीता दान करते थे। गीता दान करते थे। ये स्थान आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर और बहुत ही देखा जाए तो उसका द्वार बहुत छोटा है, यानी कि प्राचीन है ये। हाँ जी, बहुत प्राचीन, महाभारत टाइम से भी प्राचीन लगता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदमय दर्शन हो रहे हैं, आप समीप से दर्शन कीजिए। जिस प्रकार हमने आप सभी को अंदर जाके दर्शन कराए, आनंद पूर्वक दर्शन हुए और आई होप कि आप सभी को आनंद आया होगा दर्शन करके। कोशिश हमने यही की कि हम आपको समीप से लेकर चले और दर्शन कराएं। जिस प्रकार आपने यहाँ पे जाना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था गीता का, और यही वो वृक्ष है। आज मैं आपको दोबारा से यही कहूँगा कि यहाँ पे स्वयं आएँ दर्शन करने के लिए और वो आनंद आप स्वयं लीजिए, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं वो आपको उसकी बात ही नहीं पता चलेगा जिस प्रकार हमें यहाँ पे आनंद आ रहा है दर्शन करके। आई होप कि आपको भी आनंद आया हो दर्शन करके। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे शीघ्र आएँ दर्शन करने के लिए और यहाँ के दर्शनों का लाभ लें। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी इस टाइम पर ठंड का टाइम चालू हो गया है, नवंबर है ये मंथ जो है, और अभी हमें स्वेटिंग हो रही है, गर्मी लग रही है। रीज़न हम आप सभी के लिए कोशिश ये करते हैं कि अनसीन प्लेस लेकर आए दर्शन कराने के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब मोहित व्लॉग्स और आप सभी को हम अनसीन प्लेस के दर्शन कराएंगे। जो अनसीन प्लेस की सीरीज़ है वो हमारी चलती रहेगी आप सभी के लिए। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को ज्योति सर से विदा लेना।